नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो लोकसभा निर्वाचन के लिए सीधी संसदीय क्षेत्र में शामिल सिंगरौली जिले में मतदाता सूची के अंतिम रूप में प्रकाशन कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6,75,959 मतदाता दर्ज है। इनमें से 3,53,740 पुरुष और 3,22,100 महिला मतदाता है। मतदाता सूची में 9 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी ने बताया कि जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सरल और सुगम मतदान के लिए 824 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजगढ़ बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा आज स्थानीय मंगल भवन परिसर में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बग्गी पर सवार होकर बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा कराया। बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निशा त्रिपाठी ने कहा कि आपने कांग्रेस भाजपा पर भरोसा करके देख लिया, एक बार हम पर भरोसा करके देखे। भाजपा कांग्रेस तो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, काम कुछ नहीं करती। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत ने आज नामांकन की अंतिम तिथि के दिन कलेक्ट्रेट प्रियंका दास के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं लोकसभा प्रत्याशी रामनिवास रावत के पक्ष में आज एक विशाल आम सभा का आयोजन भी किया गया। विधानसभा चुनाव में आज जिले की 6 विधानसभाएं पूरी कांग्रेस की झोली में गिरी, जिससे कांग्रेस में काफी उत्साह देखा गया। देखिए, पिछले भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो नाकामियां हैं और मध्य प्रदेश में 15 साल, और निश्चित तौर पर मध्य पूरे समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है। उन्होंने जो इलेक्शन के टाइम पे जो जनता के बीच में जो वायदे किए थे, निश्चित तौर पर 100% वो फेल है। हमारा जीत का आधार और हमारा प्रत्याशी बहुत सरल और एक अच्छे व्यक्ति हैं, और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनको मैं तो भगोड़ा ही कह सकता हूँ, कभी मुरैना कभी ग्वालियर, तो ऐसे भगोड़ों को तो मुझे लगता है इस बार मुरैना की जनता भी वापस लेगी। रेडगांव थाना क्षेत्र के वनग्राम कायरी में विगत दिन एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल रात करीब 11 बजे ग्राम कायरी के गंजाल नदी के पास 8 युवकों ने किया था एक युवती का बलात्कार, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। ये मामला है 18-19 की रात का। फरियादी ने 21 तारीख को ये सूचना थाने में दर्ज करवाई। उनके अनुसार इस केस में 8 लोग थे, जिसमें 6 लोगों ने छेड़छाड़ की और 2 लोगों ने बलात्कार किया। ये फरियादा के अनुसार, बाकी हम लोगों सभी का मेडिकल करवा रहे हैं, उसके बाद ही पता पाएगा। और आज 24 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर लिया रेडगांव थाना पुलिस ने और उनको आज पेश कर देंगे। सर, किन किन धाराओं में अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें 376D, 354, 323, 506 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज है। शाजापुर में आज सुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। मक्सी से शाजापुर की ओर आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार दंपति को लालघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत AB रोड स्थित दुपहाड़ा तिराहे पर कुचल दिया, जिससे मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और एक उनका लड़का था। उनकी लड़की घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुपहाड़ा चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे स्मिता राकेश और उनके एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी लड़की घायल हो गई, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। घटना में एक बाइक सवार को कुचलता हुआ एक सवारी मैजिक से भी टकराया, जिससे मैजिक में नुकसान हुआ और उसमें बैठी सवारी और ड्राइवर भी चोटिल हुए हैं। सिंगरौली पुलिस के जरिए समाज में अपराध की दर में कमी लाने और लोकसभा चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसकर समाज को भयमुक्त कर जनता की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से मंगलवार को जियावंत थाना परिसर में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित करीब 50 लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया और आवेदनों पर सुनवाई की गई। आज थाना जियावंत में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया था। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि शिकायतों का तत्परता से निराकरण किया जाए, तो उसके पालन में किया गया, जिसमें करीब 50% लोग यहाँ पर पुरुष और महिलाएं शिकायत के संबंध में बुलाए गए थे। कुछ तो शिक्षापूर्वक आए थे, तो आपसी राजीनामा के आधार पर कई प्रकरण निराकृत में है। एक पद पत्नी का विवाद था जो पेंडिंग है,
वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके और उसमें कोई कार्रवाई आगे करेंगे। 6 स्थानीय शिकायतें थी तो थाना स्तर प्राप्त उनका निराकरण किया गया। 5 वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया गया और 2 CM हेल्पलाइन की शिकायतें थी जो संतुष्टिपूर्वक दोनों पक्षों को बैठा कर बात करने पर निराकृत हुई हैं। 1 मामला जमीन का विवाद था हरा चंदेल का, जिसमें रास्ते को लेकर विवाद का भी दिन चल रहा था। दोनों पक्षों को कई बार समझाया गया था तो शांति बनाए रखें और रास्ते के लिए भी समझौता कराया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शांति भंग करेंगे, झगड़ा करेंगे आसानी पर, अतः उन पर प्रतिबंधक कार्रवाई भी अलग से की गई है। बाकी शिकायतों का निराकरण काफ़ी शांतिपूर्ण 6 माहों में सम्पन्न हुआ है। तो राजगढ़ जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ व्यवस्थाएं हैं। जी हां, कुछ दिन पहले ही गंदगी को लेकर खुद कलेक्टर मैडम ने निर्देश निरीक्षण किया था, लेकिन उसके बाद भी जिला अस्पताल में सफाई के नाम पर सिर्फ बदबू और गंदगी ही दिखती है। प्रसूता वार्ड में भी शामिल महिला शौचालय का यह हाल है कि महिलाएं वहां शौच करने तक नहीं जा सकती। हमको ये लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं, पानी आनी अब कहीं तो बहुत दिन से नहीं है। क्या समस्या है यहाँ पे? लेटरिन बाथरूम के सबकी पानी नहीं, रात को पानी नहीं मिलता पीने का, और फ्रिज हो रहा है उसमें बंद हो जाए, कोई दिन आए नहीं। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।